जोहार दोस्तों, सभी को जय हिंद। झारखंड सरकार की तरफ से 2025 का हॉलीडे लिस्ट जारी किया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा 2025 में पर्व त्योहारों के शुभ अवसर पर छुट्टियां का लिस्ट जारी कर दिया है। 2025 का पर्व त्योहारों का हॉलीडे लिस्ट आपको हम बताएंगे। देखिए, इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। झारखंड सरकार ने तीन कैटेगरी में बांटकर छुट्टी लिस्ट जारी किया है। अनुसूची वन में आ जाएगा पर्व त्योहारों पर राजपत्रित अवकाश। हम इसका पत्र दिखाएंगे दोस्तों, और यदि इस पत्र को आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यह पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूची टू में देखिए, कार्यपालक आदेश के तहत सभी कार्यालय बंद रहेंगे, सभी राजस्व कार्यालय बंद रहेंगे। इसमें हम बताएंगे आपको कि अनुसूची टू के अंतर्गत कौन कौन से त्योहार में कार्यालय बंद रहता है, ऑफिस बंद रहता है, सरकारी ऑफिस बंद रहता है, सरकारी दफ्तर बंद रहता है, राजस्व ऑफिस बंद रहता है। आपको हम आगे दिखाएंगे। अनुसूची थ्री में बैंक वार्षिक लेखा बंदी का अवकाश रहेगा। तो सरकार की तरफ से 2025 का पर्व त्योहार मनाने के लिए छुट्टी लिस्ट जारी किया गया है। तो आइए हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा त्योहार में कितनी दिन की छुट्टी है। झारखंड सरकार के द्वारा अनुसूची वन, अनुसूची टू, अनुसूची थ्री की छुट्टी लिस्ट आइए हम आपको दिखाते हैं। लेटर देखिए, 2025 का कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है। 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा यह अधिसूचना है। इसमें 2025 का कैलेंडर हम देखेंगे, किस तिथि को कौन सा त्यौहार का छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है, सभी गवर्नमेंट पर्सन के लिए छुट्टी है। 2025 का झारखंड राज्य में NI एक्ट 1881 के तहत अवकाश घोषित किया गया है। अनुसूची वन है ये, है ना। और इसमें देखेंगे एक एक त्यौहार का हम चर्चा करेंगे, तो सभी त्योहारों को हम देखेंगे। और यहाँ देखिए अनुसूची दो, इसमें वर्ष 2025 के लिए झारखंड राज्य में कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित। अनुसूची थ्री भी है, अनुसूची थ्री में है कि वर्ष 2025 में NI एक्ट 1881 के तहत बैंक लेखाबंदी अवकाश, बैंकों में छुट्टी, लेखाबंदी का छुट्टी है ना, इसको भी देखेंगे। तो कुल कितने तरह का अनुसूची है, 1, 2, 3, तीन तरह का। चलिए सबसे पहले हम पत्र में जो शुरुआत झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की जो अधिसूचना है उसको हम दिखाते हैं। देखिए अधिसूचना तारीख कितना है, 14/10/2024 है, 14/10/2024 है ये संख्या हुआ। भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ये है, देख लीजिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए वर्ष 2025 में संलग्न अनुसूची दो में अंकित तिथियों को कार्यपालक आदेश के तहत झारखंड राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय एवं राजस्व कार्यालय बंद रहेंगे। यहाँ देखिए कि वर्ष 2025 में एनेक्सर टू मतलब अनुसूची टू में जो अवकाश दिया गया है, देखिए एनेक्सर टू में, देखिए ये एनेक्सर वन हुआ, ये एनेक्सर टू हुआ, देख रहे हैं, एनेक्सर टू में जो अवकाश दिया गया, जैसे मकर संक्रांति, सुभाष चंद्र बोस, संत रविदास जयंती, सरहुल, मजदूर दिवस, रथ यात्रा, इस तरह से बहुत सारी छुट्टियां हैं। जो अनुसूची दो में जो अवकाश तालिका दिया गया है उसी के तहत कार्यपालक आदेश के तहत झारखंड राज्य के अधीन सभी कार्यालय एवं राजस्व कार्यालय बंद रहेंगे, है ना। अनुसूची दो में जो अवकाश तालिका है उसी के माध्यम से राजस्व कार्यालय और सरकारी कार्यालय सभी बंद रहेंगे। फिर तीसरा पॉइंट देखिए, भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग के अर्ध सरकारी पत्र संख्या ये है, है ना। इसके तहत क्या होगा दोस्तों कि धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल वर्ष 2025 में संपूर्ण राज्य में संलग्न अनुसूची थ्री में अंकित बैंक वार्षिक लेखाबंदी अवकाश घोषित करते हैं। प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल वर्ष 2025 के 25 में संपूर्ण राज्य में संलग्न अनुसूची थ्री में अंकित, देखिए अनुसूची थ्री में क्या है, देखिए ये अनुसूची थ्री में अंकित जो है तारीख है ना, इस दिन बैंक में क्या रहेगा, लेखाबंदी रहेगा, तो इसको भी देखेंगे। राज्य सरकार के अधीन सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली तथा क्षेत्रीय कार्यालयों 6 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली पूर्ववत लागू रहेगी। मतलब देखिए राज्य सरकार के अधीन सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में जो जो इसमें संलग्न कार्यालय है उसमें कार्य सप्ताह प्रणाली मतलब 5 दिन ही कार्य सप्ताह प्रणाली है तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में 6 दिन,
मतलब सचिवालय में संडे और सैटरडे, सैटरडे और संडे बंद रहता है, तो 5 दिन कार्यालय चलता है और बाकी सभी कार्यालयों में 6 दिन सिर्फ संडे बंदी। फिर देखिए फिर 3 पॉइंट क्या है, अनुसूची 3 में उल्लेखित बैंक लेखा वार्षिक बंदी सरकारी अधिष्ठानों या कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। चलिए, ये राज्यपाल के आदेश से साइन किया गया है, सरकार का संयुक्त सचिव के द्वारा यह साइन है। और उसके बाद देखेंगे, देखिए सभी विभागों को यह प्रतिलिपि दिया गया है। देखिए सरकार के सभी विभागाध्यक्ष, राज्यपाल के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सभी मंत्री गण के आप्त सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी उपायुक्त, महानिबंधन, झारखंड उच्च न्यायालय रांची, प्रभारी सचिव, झारखंड विधानसभा सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ये सभी विभागों को ये पत्र जारी किया गया। स्टेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय झारखंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया झारखंड, रांची, बिहार, पटना, सभी आकाशवाणी रांची, दूरदर्शन, सभी को देख लिए। अब यहाँ देखिए अनुसूची 1, अनुसूची वन ये है, अनुसूची 1 के तहत छुट्टी देख लीजिए। महाशिवरात्रि कब है? 26 फरवरी। होलिका दहन कब है? 13 मार्च। होली कब है? 14 मार्च। और ईद उल फितर कब है? 31 मार्च, देख रहे हैं। और सरहुल कब है? 1 अप्रैल। उसी तरह से राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार, राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि ये शक संबंध में है, हिंदी है, अवकाश के दिन है, दिन है और अवकाश की संख्या यहाँ पर है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, एक एक छुट्टी का लिस्ट जारी किया गया है। NSR 1 के तहत ये है, विजयादशमी कब है, महात्मा गांधी जयंती कब है, महानवमी कब है, दीपावली 2025 में कब है ना, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर दिवस 26 जनवरी, रामनवमी 6 अप्रैल एवं मुहर्रम 6 जुलाई को रविवारीय अवकाश पड़ने के कारण उक्त तिथि को अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है। तथापि वैसे प्रतिष्ठान जहां रविवार सामान्य कार्य दिवस होता है के लिए उक्त तिथि का अवकाश रहेगा। मान लीजिए स्कूल की बात करें तो स्कूल में 26 जनवरी को संडे पड़ता है ना, तो संडे पड़ता है तो उस दिन अवकाश नहीं दिया गया है, तो उस दिन तो संडे है तो तिरंगा झंडा को फहराना ही है। उसी तरह से मान लीजिए संडे है उर्दू स्कूल, तो उर्दू स्कूल में तो कार्य दिवस है तो उस दिन फिर छुट्टी है, उर्दू स्कूलों की छुट्टी है लेकिन सामान्य विद्यालयों की छुट्टी नहीं है, यही कहता है टिप्पणी में। अब आगे आइए NSR 2 मतलब अनुसूची 2, वर्ष 2025 के लिए झारखंड राज्य में कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित। देखिए कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित 2025 का, देखिए यहाँ पर है मकर संक्रांति, सुभाष चंद्र बोस जयंती, संत रविदास जयंती, सरहुल, देखिए ये सब डेट है ना, सब मकर संक्रांति कब है? 14 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस जयंती कब है? 10 जनवरी को। और हिंदी पंचांग के अनुसार देखेंगे ये पौष में पड़ेगा, माघ में पड़ेगा है ना, और ये तिथि है। और संख्या कितना है देख लीजिए, एक 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 है ना, इस तरह से विभिन्न त्योहारों को छुट्टी है और यही छुट्टी मान्य होगा कार्यपालक आदेश के तहत। पूरे झारखंड में ये छुट्टी रहेगा, सभी विभागीय छुट्टी रहेगा, सभी कार्यालय छुट्टी रहेगा इसी तिथि के अनुसार। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है दोस्तों, यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो हम बनाते रहते हैं। ये 2025 का कैलेंडर है ना, अभी चल रहा है 2024। देखिए 2025 में महादशमी, 2025 में दशहरा सप्तमी की छुट्टी कब है? 29 सितंबर। मतलब ये जो छुट्टी लिस्ट है ना, सभी कार्यालय झारखंड सरकार का सभी ऑफिस बंद रहेगा, ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं। अब देखिए टिप्पणी में यहाँ क्या कहता है, बसंत पंचमी 2 फरवरी को रविवार अवकाश पड़ने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं है। मतलब 2 फरवरी को संडे है और संडे के दिन क्या है? बसंत पंचमी, मतलब सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा है, तो इस दिन ऑफिस तो बंद है संडे का, तो वहां पर स्पेशल छुट्टी नहीं दिया गया है, ठीक है। तथापि वैसे प्रतिष्ठान जहां रविवार सामान्य कार्य दिवस हो वहां उक्त तिथि को अवकाश रहेगा, ठीक है। मान लीजिए हम सरकारी विद्यालय की बात करते हैं तो सरकारी विद्यालयों में सरस्वती पूजा किया जाता है ना, सरस्वती माँ की पूजा की जाती है, तो संडे को माने सरस्वती पूजा है तो उस दिन तो विद्यालय जाना ही है क्योंकि पूजा की बात है। और मान लीजिए जो उर्दू विद्यालय वहां पर पूजा नहीं होती है तो वहां पर स्कूल बंद रहेगा, तो वहां पर छुट्टी मान्य रहेगा। अब यहाँ देखिए, अब 2025 का NI Act 1881 तक बैंक लेखाबंदी अवकाश, लेखाबंदी अवकाश है, देखिए बैंक लेखा की वार्षिक बंदी कब होता है? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को बैंक का लेखा वार्षिक बंदी होता है। और इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, चैत मास का 11वां दिन मंगलवार पड़ता है, 1 दिन छुट्टी होगा बैंक का है ना, लेखा बंदी का। तो दोस्तों इस तरह से हम 2025 का कैलेंडर दिखाएं, सरकार के द्वारा जारी किया गया कैलेंडर अनुसूची 3, 2, 2 में कार्यपालक आदेश के तहत सरकार के तमाम सरकारी कार्यालय बंद होते हैं और ये NSR 1 है ना। अब यहाँ पर ये तो बता ही दिए, तो यदि इस PDF को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे
टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से डाउनलोड कीजिए, है ना। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में दिए गए घंटी को बजाना एकदम ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल में बने रहे, धन्यवाद।